वी लर्न सोशल स्टडीज़ क्लास 5। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक चौधरी रहमत अली और यूनिट नंबर 7। आज हम यूनिट नंबर 7 का जो एक अहम टॉपिक है वो चौधरी रहमत अली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो यूनिट का नाम जो है वो ग्रेट लीडर्स हैं, तो इस ऑब्वियसली हम जो है वो ग्रेट लीडर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे ग्रेट लीडर जो है वो चौधरी रहमत अली हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चौधरी रहमत अली जो थे वो एक मुस्लिम गुजर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो इंडिया में पैदा हुए थे और एक कौम परस्त आदमी थे। उन्होंने हमेशा मुस्लिम जो है वो के लिए एक अलग जो है वो मुल्क का ख्वाब देखा था। उनका यकीन था कि हिंदू और मुसलमान जो थे वो दो अलग अलग कौमें हैं, और इनके इस जो है यकीन को बहुत से लोगों ने बाद में कबूल भी किया। उनका मकसद ये था कि वो मुसलमानों को एक अलग मुल्क हासिल करके दें, और जो इंडिया जो है उन्होंने जो वो अपने आप को दूसरी कंट्री से दूसरी नेशन से अपने आप को एक डोमिनेट करता था, अपने आप को बढ़ता समझता था। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया था। सो उनका मकसद ये था कि वो मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करें। चौधरी रहमत अली ने जो बच्चों एक कंट्री पाकिस्तान का नेम जो है वो बनाया था, जैसे कि उसके लेटर ये थे कि पंजाब PAKSTAN, पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, ऐसे सिंध और तान का उन्होंने बलोचिस्तान का नाम लिया, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ऐसे याद किया था इस लेटर्स के जरिए। चौधरी रहमत अली बच्चों एक जो है वो एक कैपेबल स्टूडेंट थे, एक बहुत होनहार स्टूडेंट थे, जिन्होंने ग्रेजुएट जो था वो इस्लामिया कॉलेज से किया। इसके बाद उन्होंने जो है वो लॉ की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। देन वो मूव ऑन हो गए इंग्लैंड में, यूके में, वहाँ पर उन्होंने बीए की डिग्री ली और एमए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। उसके बाद उन्होंने LLB ऑनर्स कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और उसके बाद उनकी स्टडीज जो है वो कम्प्लीट हो गई। वो जानते थे कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और उनको उनके राइट्स के लिए जो है वो पुशअप करना एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट काम था, जिसके उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों से सीखा और लोगों को भी इस बारे में सिखाया। वो अल्लामा इक़बाल की जो पोइट्री है उनकी राइटिंग के बारे में भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके शौकीन थे, बहुत उनके फ़ैन थे, और उन्होंने उनकी राइटिंग से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमेशा जो है वो मुसलमानों को अल्लामा इक़बाल की जो पोइट्री है उनकी राइटिंग से इंस्पायर करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने जो है वो बहुत सी किताबें भी लिखीं आपने चौधरी रहमत अली ने, ताकि मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाएं, उनको ये रास्ता दिखाएं कि किस वजह से, उनको रीज़न दें कि उन्होंने इस मुल्क को हासिल करना है। उन्होंने पम्फलेट्स लिखे, बुकलेट्स लिखी, उनकी जो फेमस जो है वो बुकलेट ये थी, उसका नाम ये है कि नाउ और नेवर आर वी लीव टू लीव और पीस आइज फॉर एवर पेरिश फॉर एवर। और उन्होंने जो पम्फलेट दिया था उस पम्फलेट में उन्होंने रीज़न दिया कि पाकिस्तान को सेपरेट कंट्री बनाया जाए। उनका ख्वाब उस वक्त पूरा हो गया जब पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आ गया, लेकिन वो डिसअपॉइंट थे कि वो पाकिस्तान को एक फ़ाइनल शेप क्यों नहीं दे सके। सो पाकिस्तान ज़्यादा अरसा जो है वो स्टे नहीं कर सके, वापस जो थे कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पर उनकी वफा जो थी 11 फरवरी को हो गई। ठीक है बच्चों, ये था छोटा सा ब्रीफ चौधरी रहमत अली के बारे में। बच्चों अब हम जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला जो है क्वेश्चन जी ये है कि व्हाट वाज चौधरी रहमत अलीज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान बनने में क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी, क्या उन्होंने हिस्सा लिया पाकिस्तान बनाने के लिए। बच्चों इसका आंसर हमारे पास ये होगा कि चौधरी रहमत अली इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स थ्रू राइटिंग बुकलेट्स एंड पम्फलेट्स, ही आल्सो क्रिएटेड द नेम पाकिस्तान। उन्होंने ये खिदमत पाकिस्तान में अंजाम दी थी कि उन्होंने अपनी पम्फलेट्स और बुक के जरिए से लोगों को मुसलमानों को इंस्पायर किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का नाम क्रिएट किया बनाया। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज द नेम पाकिस्तान स्टैंड फॉर, पाकिस्तान का नाम जो है वो स्टैंड फॉर। यहाँ हमने पढ़ा कि द लेटर स्टैंड फॉर पाकिस्तान के जो लेटर्स हैं पंजाब, अफगानिया, कश्मीर एंड सिंध, ये इनके इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। देन हम बात करेंगे चौधरी लिस्ट चौधरी रहमत अली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका आंसर ये है बच्चों ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इस्लामिया कॉलेज लाहौर एंड लॉ डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, देन ही वेंट यूके टू ऑब्टेन BA और MA डिग्री। इनकी क्वालिफिकेशन लिस्ट है। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज पढ़ाए हैं चौधरी रहमत अली के बारे में। आपने इन 3 क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखना है और अच्छे से याद भी करना है और समझना है।